हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीसीसी टाइपिंग के लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आज के पेपर में ये खबर आई है, जून अंत से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों, आज के पेपर में ये खबर आई है जिसमें सचिव ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपकी टाइपिंग नहीं होगी, लॉकडाउन हटने के बाद भी टाइपिंग आपकी हो सकती है। दोस्तों, इसके अंदर क्या लिखा है प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगी, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता है तो इसे इसी माह लिया जा सकता है। इसका लगभग 45,000 स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, सचिव ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर लॉकडाउन हटता है तभी टाइपिंग लिया जा सकता है। उन्होंने क्या क्या और बातें कही है उसको देखते हैं। सचिव ने बोले हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन करेंगे, लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या फिर अलग अलग फेज में लॉकडाउन को हटाया जाता है। तो दोस्तों, सचिव ने साफ साफ बोल दिया है यह इसी पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कब हटेगा, उसके बाद टाइपिंग आप सभी का लिया जाएगा। आज के पेपर में जो बीसीसी टाइपिंग के लेकर जो खबर आ रही है, आप सभी को मालूम होगा कि दो दिन पहले ही दुर्गा गुरु रहमान सर ने एक वीडियो बनाया था अपने ही यूट्यूब चैनल पर कि कैसे वो गुस्सा हुए थे बीसीसी आयोग पर कि 6 से 7 साल हो चुका है पर अभी तक इसको क्लियर नहीं किया जा रहा है, जल्द से जल्द टाइपिंग शॉर्टलिस्ट जारी किया जाए या फिर कोई नोटिस ही जारी किया जाए, उसके लेकर गुरु रहमान सर ने बहुत गुस्सा हुए थे और आप सभी ने देखा भी होगा। तो दोस्तों, उनका ही असर है कि आज के पेपर में खबर आई है। तो दोस्तों, आपका जो मांग है उस मांग को लगातार आपको मांगते रहना है। दोस्तों, आपको आराम से बैठना नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि बीसीसी आयोग कैसा आयोग है और वो केवल पेपर में कोई बातें को छाप देता है और छापने के बाद निश्चिंत होकर सो जाता है। तो दोस्तों, आपका जो मांग है उस मांग को लगातार मांगते रहना है। आप सभी ने देखा कि कल तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के लेकर एक ट्वीट किया था, उसको पहले सबसे पहले देखते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 3 साल में 64वीं बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अंतिम रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। सेटिंग गेटिंग वाली सरकार प्रतिभावान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा कि एट द रेट नीतीश कुमार जी, इंटरव्यू के बाद समानता 1 सप्ताह के परिणाम आ जाना चाहिए, इसमें देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं विपक्ष के एक बड़े नेता हैं और उनकी एक एक ट्वीट का असर होता है। तो दोस्तों, हम लोगों को भी जब वो बीपीएससी पर ट्वीट कर सकते हैं तो बीआरएसएससी तो 6 साल के पर लंबित हैं, उन पर भी ट्वीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या हम लोगों को तेजस्वी यादव को ट्वीट करके उनको बीसीसी का जो मुद्दा है उनको उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए? अगर ऐसा करें तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या हम लोगों को तेजस्वी यादव को ट्वीट करके बीसीसी का जो मुद्दा है 7 सालों से जो लंबित है उसको उठाने के लिए हम लोगों को ट्वीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।